Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and today I'm here to discuss self-study material and tips. Basically, आपको self-study कैसे करनी है, what is the method you will be using? That I have already explained in one of my video, how to clear IELTS in first attempt. But along with that, जब आप self-study कर रहे हो तो आपको books भी चाहिए होंगी कि कौन सी books के through preparation करो. So today I'll be discussing the books which I have been using for a long time and I hope it will be beneficial for you all also. So let's start with the first book. Basically the first book is Cambridge English Grammar for IELTS. This is a very useful book as far as grammar is concerned. You will not face any problem when it comes to grammar. Because I know you all have been facing problem in, आपको नहीं पता चलता कि has कहाँ use करना है, have कहाँ use करता है. चाहे you already know that with he, she, it you have to use has and with I, you, we and they you have to use have. But still, there are problems which are occurring every other time. So you need to be careful about such things. So ab uske liye isme they have given you each and everything in detail. They have told you, aap agar index pe hi dekhte hain, so grammar ke bare mein unhone detail mein bataya hua hai. Preposition bahut acche se compare kari hui hai ki prepositions bataiye aapne kaise use karne hain. Along with that sare ke sare tenses bataye hain on the basis of writing. Jaise writing task 2 mein let's say you have to use future tense. How will you be using future tense in writing task 2? Another thing which is very helpful for writing task 1, part 11 में इन्होंने बताया हुआ है comparative and superlative adjectives. आपको बहुत बार comparisons करने होते हैं task 1 में and वहाँ पे academic task 1 में वहाँ you need all such things. So every single thing is explained elaboratively. You will not face any problem. So try to go through the book. आपकी ग्रामर वाली प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी रीडिंग सॉरी राइटिंग एंड स्पीकिंग में. कमिंग टू द नेक्स्ट बुक, वोकैबुलरी फॉर आइल्स. इट इज़ द बुक बाय कैम्ब्रिज विच इज़ वेरी यूजफुल. बेसिकली आपको टॉपिक बेस्ड वोकैबुलरी यहाँ पे मिलेगी. यू मस्ट हैव सीन माई वीडियोज़ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ. सो वेरियस टॉपिक्स पे मैंने वोकैबुलरी बनाई हुई है. उसी तरीके से इस बुक में भी वोकैबुलरी टॉपिक बेस्ड दी हुई है विच इज़ वेरी यूजफुल. क्योंकि आपको अगर पता है कि टॉपिक्स हैं तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम. जैसे जनरल लाइफ के ऊपर उन्होंने दिया हुआ है, मेंटल एंड फिजिकल डिवेलपमेंट के ऊपर दे हैव गिवन द टॉपिक्स, लाइफ स्टाइल के ऊपर टॉपिक दिया हुआ है. सो दिस इज अ वेरी यूजफुल बुक फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग. दोनों प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी बिकॉज व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग सो यू लैक वर्ड्स, यू डू नॉट गेट वर्ड्स जब आपको कुछ बोलना है, कुछ बताना है. सो वहां पे ये बुक आपके लिए बहुत यूजफुल होगी. सो वोकैबुलरी में प्रॉब्लम आ रही है, बेसिक वर्ड्स यूज करते हो तो डेफिनेटली यू मस्ट गो फॉर दिस बुक. सारी बुक्स के डिस्क्रिप्शन जो है लिंक है डिस्क्रिप्शन में है एंड वहां से आप जाके परचेज कर सकते हो. एज फार एज फ्री PDF इज कंसर्न, I'm really sorry, I do not have the PDF for any of the books. So आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा. If you find it, that's good for you. Okay? Coming to the third book, जो थर्ड बुक यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो एकेडेमिक रीडिंग प्रैक्टिस के लिए. बिकॉज आई हैव एक्चुअली सीन कमेंट्स कि स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आ रही है एकेडेमिक रीडिंग प्रैक्टिस करने के लिए. दे हैव आस्क्ड मी डिटेल्स रिलेटेड टू दिस कि मैम वेयर शुड वी प्रैक्टिस. आई हैव गिवन देम डिस्क्रिप्शन लिंक, आई हैव गिवन देम द लिंक लाइक दे कैन प्रैक्टिस ऑनलाइन, बट दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद इट. एक्चुअली मुझे ये भी पता है कि देखो आपने जब पेपर बेस्ड आइल्स देना है तो आपको पेपर पे ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा. सो यहाँ पे ये जो मैकर्ड की बुक है इसमें 20 रीडिंग्स हैं जिसके बेसिस पे आप सारी की सारी एक बार प्रैक्टिस करोगे. जो एक और प्लस पॉइंट है इस बुक का वो ये है कि इन्होंने इसमें वोकैबुलरी दी हुई है अलॉन्ग विद ईच एंड एवरी रीडिंग. उससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. अगर वोकैब पता है तो रीडिंग सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो जाएगा और जितनी बार आप प्रैक्टिस कर रहे हो वोकैब के साथ सो आपकी रीडिंग डेफिनेटली इम्प्रूव होगी. सो गो फॉर दिस बुक, डेफिनेटली आई येस फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट जिनके स्कोर नहीं आ पा रहे एकेडेमिक रीडिंग में, वो ये बुक ज़रूर लें, उससे उन्हें हेल्प मिलेगी फॉर श्योर. नाउ कमिंग टू माई लास्ट बुक. सो बेसिकली जो लास्ट बुक है ये है स्पीकिंग से रिलेटेड. इसमें क्या है, इट इज़ अ मास्टर पीस ऑफ स्पीकिंग बाय मिस्टर विनोद, आई बिलीव इट्स गामटू, आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोनंसिएशन, बट इट इज़ बाय मिस्टर विनोद, अ मास्टर पीस ऑफ स्पीकिंग. सो बेसिकली यू कैन रेफर दिस बुक एज फार एज स्पीकिंग टॉपिक्स आर कंसर्न. इसमें एक जो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये था, क्यू कार्ड उन्होंने एक्सप्लेन करा हुआ है, इंट्रो, क्वेश्चन, फॉलोअप सब कुछ एक्सप्लेन करा है, बट बीच में उन्होंने जो भी डिफिकल्ट वर्ड यूज़ करा है वहीं पर उसका मीनिंग दिया हुआ है. फ्रेजल वर्ब्स यूज़ करें उसका मीनिंग बताया हुआ है.
सो आपको डेफिनेटली 8 और 9 बैंड तो मिल ही जाएंगे. आप लोग पीडीएफ्स यूज़ कर रहे हो, पीडीएफ्स की जगह आप बुक भी यूज़ कर सकते हो. आपको हर एक चीज़ इसमें डिटेल में पता चलेगी एंड येट अ यूज़फुल बुक. सो नाउ दीज आर द 4 बुक्स विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. मैं इसके अलावा भी देर आर 2-3 मोर बुक्स विच आई एक्चुअली रेफर टू स्टूडेंट्स. सो वो भी बुक्स के लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी जिससे कि यू कैन परचेज दोज बुक्स. आपको जिस मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ रही है पहले आप वो बुक लेके देखो, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल डिफरेंस आएगा. जैसे रीडिंग के लिए मक्कड़ वाली बुक थी, स्पीकिंग के लिए दिस बुक, वोकैबुलरी एंड ग्रामर के लिए श्योर कैम्ब्रिज. बिकॉज कैम्ब्रिज की अगर बात करें तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में सब कुछ बताया हुआ है. सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.